How can they miss that? ज्ञान में सृजन करने की ताकत नहीं है, विज्ञान में तोड़ फोड़ करके परिवर्तन कर करके एक नया रूप, नयापन और उसको श्रृंगार करने की क्षमता है, आपको आरामदायक चीज बनाने की और आपको श्रृंगारित करने की क्षमताएं हैं, आपको जीवन को सुलभ बनाने की क्षमताएं हैं। विज्ञान में आपको जीवन की निर्माण करने की क्षमता नहीं है, विज्ञान में आपके जीवन को मोक्षदायिनी बनाने की क्षमता नहीं है, विज्ञान में आपको आराम और विनाश की दोनों क्षमता है। लेकिन सृष्टि का जो विज्ञान है, जो सृष्टि का जो धर्म है, जो मानव के हृदय का विज्ञान है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होता है, जहाँ बंधुत्व होता है, जहाँ ममत्व होता है, जहाँ ममता होती है, जहाँ पितृत्व होता है, उस हृदय से आपने संबंध जोड़ने की कोशिश नहीं किया, उसको भी आपने बाहर रिश्तों में बदल दिया। जो हृदय आपके प्रेम को आपको महासागर बना सकता है, करुणा सागर बना सकता है, दया के सागर बना सकता है, आपको जो हृदय इतना महान बना सकता है, आपने उससे तो संबंध तो जोड़ा ही नहीं, फिर आप अपने को कैसे जानेंगे, उस परमात्मा से कैसे मिलेंगे। इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ठहरिए, कुछ देर के लिए छोड़िए इस संसार को, क्योंकि ये छूटता तो है नहीं। कुछ देर कोशिश कीजिए इस माया को, इस माया से मुक्त होने के लिए, कुछ देर अपने आप में रुक जाने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, अपने को निष्काम बनाने के लिए, अपने को निष्क्रिय करने के लिए, अपने को क्रिया विहीन करने के लिए, अपने को मंत्र विहीन करने के लिए, अपने को शुद्ध बुद्ध विहीन करने के लिए, एक ऐसी अवस्था जहां आप कुछ न करते, एक ऐसी अवस्था को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए जहां आपके द्वारा कुछ न होता हो, कुछ न सोचा जाता हो। आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करिए, आप परमात्मा के साथ में, और एक क्षण में, एक पल में, घंटों में नहीं, इसके लिए घंटों नहीं चाहिए, सारे जीवन, सारे घंटे, 24 घंटे आप उसके लिए दीजिए, लेकिन एक पल तो अकेले हो जाओ, एक क्षण तो अकेले हो जाओ। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप सब मानव हैं और परमात्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा के हजारों मानस पुत्रों ने अपने को जाना, ईश्वर को बाध्य किया इस पृथ्वी पर आने के लिए, उस अज्ञात जगत से अपने लोगों को छोड़ छोड़ करके इस पृथ्वी पर आने के लिए हम मनुष्यों ने उसे बाध्य किया है, अपने तपस्या से, अपने संकल्प से, अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ दे करके। और वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को अकेला बना दे, अपने आप को ऐसी अवस्था में छोड़ दे जहां उसके द्वारा कुछ नहीं होता हो, न क्रिया होता हो, न बोध होता हो, न ज्ञान का चिंतन होता हो, एक क्षण, एक पल। ये क्षमता आपके अंदर में है, लेकिन आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने, आपके अहंकार ने, आपके मोह ने, आपके राग ने, आपके द्वेष ने, आपकी ईर्ष्या ने, आपके प्रेम ने, आपकी दोस्ती ने, आपके रिश्तों ने, संसार के इस चक्रवात में, इस चक्रव्यूह में इस तरह से उलझा दिया है कि आपको अपने लिए समय नहीं। फिर सारी जिंदगी मूर्ख बन के जीते रहो, सारी जिंदगी बेवकूफ बन के जीते रहो, क्योंकि तब तुम अपने ही को नहीं जानते हो, अपने अस्तित्व को ही नहीं जानने की कोशिश करते हो, तो संसार को कैसे जान लोगे, संसार के बारे में जान लोगे, थोड़ा सा जान लोगे, और जिंदगी खपत हो जाएगी, जीवन की सारी ऊर्जा बेकार हो जाएगी। और जब जीवन की ऊर्जा बेकार हो जाएगी तो श्रवण करने की क्षमता, मनन करने की क्षमता, प्रेम करने की क्षमता, संबंध बनाने की क्षमताएं सारी नष्ट हो जाएगी, और फिर तुम अपने जीवन भर जो समय बाकी है अपने आप को कोसोगे, अपने आप को दोषी बनाओगे, और प्रायश्चित करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, फिर अगले जन्म की प्रतीक्षा करोगे, कहोगे हे परमात्मा मुझे इस जीवन से मुक्त कराओ, अब तो अगला जन्म दे दो, क्योंकि मैंने इस जीवन का सदुपयोग नहीं किया, मैंने इस जीवन में वह नहीं किया जिसके लिए करना आया हूं। इसलिए अभी आपको वक्त है, अभी आपको समय है। हर साल यह रामायण मेला,
धन्यवाद दीजिए गर्ग परिवार को, मनु गर्ग को, कि आपके समक्ष हम लोगों को समय नहीं है तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन उनका प्रेम, आपका प्रेम नहीं, क्योंकि आप हमारी 3 साल से 4 साल से सुनते हुए, मुरारी बापू के अनेकों साल से सुनते हुए, हमारे शंकराचार्य दिव्यानंद के अनेकों बार से सुनते हुए, हमारे चित्रकूट के महाराज दिव्यानंद जी का भी अनेकों साल से आप सुनते चले आ रहे हैं, और जब आज तक से आपने भीतर के पट को नहीं खोला तो मुझे विश्वास नहीं कि कल भी आप खोलोगे। इसलिए आपसे मैं प्रेम करना चाहता हूं, आपके लिए संसार में सुख शांति लाने के लिए, संसार में शांति बनाने के लिए हम आपको समाधि लगा रहे हैं। हमारी माताओं ने अनेकों बार समाधि लगाया, मंगलगिरी जी आपके पर समाधि लगाया, यह महान मूर्ति हनुमान के रूप में आपको जगाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन आप लोगों के पास समय है पाठ करने के लिए? अफसोस की बात है, अगर यह पाठ पूरा नहीं होगा तो स्थापना कैसे होगा, फिर दोष किसके ऊपर जाएगा? इसलिए चाहे आपने घर में हनुमान का पाठ करें अथवा उस प्रांगण में आकर के हनुमान के साथ प्रांगण पाठ करें, लेकिन 100-100, 50-50 आपको पाठ आज से करना होगा। आखिर 11 अप्रैल 2003 का वो दिन भी आ गया जब महायोगी पालेल बाबा इस शीशे के एयर टाइट बॉक्स में दोपहर ठीक 1 बजे समाधि लेंगे।